हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण यादव और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेके आया हूँ कैसे आप किसी रो या कॉलम को हाइड या अनहाइड करोगे और कैसे रो या कॉलम हेडिंग को हम फ्रोज करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैसे किसी रो या कॉलम को हाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रो है, ठीक है, रोल नंबर 3 का जो ये रो है, इसको हमें क्या करना है, किसी कारण से हमें क्या करना है, हाइड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको किसी कारण से हाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर, इस पर राइट क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ पे हाइड एंड हाइड लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे, हाइड पे क्लिक करोगे, ये रो देख रहे हो आप, क्या हो गई, हाइड हो गई। ठीक है, अब आप इसको यदि फिर से अनहाइड करना है तो क्या करोगे, जिस रो को आपने हाइड किया था, एक रो आप उससे पहले सेलेक्ट करोगे, कोई भी इससे पहले की कोई भी एक रो ले सकते हो आप उसको, और उसके बाद की एक रो को, यानी इसके बीच का एक रेंज आप सेलेक्ट करोगे। ये पूरी रेंज आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने ये सेलेक्ट कर ली, और आप इस पर क्या करोगे, राइट क्लिक करके करोगे क्या, अनहाइड। देखोगे कि क्या हो जाएगा, तो फिर से आगे आपका रो जो था वो आगे। इस तरह से सेम बात आप कॉलम के लिए भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपका ये ग्रैंड टोटल का है, ठीक है, या फिर इसको लेते हैं टोटल को, ठीक है, इसको आपको हाइड करना है, राइट क्लिक करो, सॉरी आपने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, हाइड पे गए, अब ये क्या हो गया, हाइड हो गया। अब आप इस तरह से इससे पहले और इसके बाद को रेंज आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट कर दिया, एक्चुअली एच था, इसको आप क्लिक करोगे और फिर से अनहाइड पे करोगे, ये क्या आ गया आपका, एच जो है वो टोटल यहाँ पे फिर से आ गया। तो इस तरह से हम इसको हाइड या अनहाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रोज की। तो फ्रोज करेंगे मतलब, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेटली 10 बच्चों के हुआ है, क्या है ये रोल नंबर, ये मार्कशीट है पूरी, ठीक है। यदि मान लो आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, तो उसको जब आप करोगे, मान लीजिए 80 स्टूडेंट होगा, तो उसका रोल नंबर कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह सब करते जाओगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यदि आप करते जाओगे तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में कि किसके मार्क्स। जैसे मान लीजिए जो रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये जो हेडिंग है इसको आप शो करना है आपको, और ये जो नेम है, ठीक है, स्टूडेंट के जो नेम है उसको भी आपको क्या करना है, फ्रोज करके रखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट, इस पे क्लिक करोगे, फिर फ्रोज पैन पे जाओगे, फ्रोज पैन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, जो आपके करंट सेल है उसके, यानी ये इसके लेफ्ट में सब कुछ इस साइड का क्या हो जाएगा, फ्रोज हो जाएगा, और इसके जो ऊपर है जितना वो सारा फ्रोज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पे जैसे क्लिक करोगे फ्रीज पैन, तो ये देखते हो इसके ऊपर का ये भी जितना भी था ये सारा क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है। अब आप जितने भी इस साइड, जैसे मान लो आप चले जाओ, नीचे चले जाओगे, देखोगे कि ये जो ऊपर था, ये जो सिलेक्शन था इसके ऊपर का, ये क्या हो रहा है, फ्रीज हो गया है। अब ये मूव नहीं हो रहा है, उसके लेफ्ट में ही सारा क्या हो रहा है, सर उसके बॉटम में ही मूव हो रहा है। इसी तरह से यदि आप मान लो इस तरह से किसी स्टूडेंट के बहुत सारे डिटेल्स हैं यहाँ पे जो एड है, आप इस तरह राइट में शिफ्ट होते जाओगे तो उसका जो नेम है वो सब क्या होता जाएगा, वो रहेगा। और आप इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको मालूम हो जाएगी कि आप आदित्य के रो में क्या कर रहे हो, एंट्री वगैरह कर रहे हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पे फ्रीज के और भी सारे ऑप्शन है, फ्रीज टॉप रो, फर्स्ट कॉलम, यानी आप जैसे इस पे करोगे तो ये क्या, जो पहला रोल नंबर का है ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, देख रहे हैं अभी एक एरो सी बन के आ रही है, इसके इस लेफ्ट में जो भी है ये सारा क्या हो गया, फ्रीज हो गया है। और इस तरह से ये फर्स्ट टॉप का आप कर रहे हो तो ये जो पहली आपकी ये है रो है वो क्या हो गई, फ्रीज हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।